चलिए हम लेआउट पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी थी कि डिफरेंट लेआउट, जैसे लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, ठीक है। लीनियर तो हमने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली, तो आज हम रिलेटिव लेआउट को लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ कोडिंग करेंगे कुछ। आज मैं आपको कुछ कोडिंग भी दिखाऊंगा कि कोडिंग कैसे करेंगे हम इसमें। तो मैं यहाँ पे एक जो हमने माई फर्स्ट आइडिया बनाई थी, Thanks for watching the video. Kindly subscribe the channel and click on the bell icon to get the latest updates from the channel. चलिए, ये ऐप हमने बनाई थी पिछली बार, तो इसमें हमारे पास जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे दी हुई है, इस पर मैं पहले कोड कैंसिल करता हूँ जो भी इस पर लिखा हुआ है, ठीक। पिछली बार हमने लीनियर लेआउट किया था। लीनियर लेआउट में सिंपली आइटम्स को या तो हम हॉरिजेंटली अरेंज करते हैं या वर्टिकली, और अगर हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए हम नेस्ट कर सकते हैं, ठीक। बाहर से एक लेआउट लीनियर लेआउट लेंगे, उसके अंदर फिर उसको नेस्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास दूसरा लेआउट है, दैट इज रिलेटिव लेआउट। जब आप नई एप्लीकेशन बनाओगे, सीधे यहाँ पे रिलेटिव लेआउट लिखना है, ठीक। इसको कोई भी पाथ आगे नहीं देनी है, जैसे कि कॉन्स्टेंट लेआउट में आती है वो में। तो अब इस रिलेटिव लेआउट की खासियत यह है कि मैंने आपको कहा था कि इस रिलेटिव लेआउट में हम डिफरेंट आइटम्स को इस स्क्रीन पे ड्रा करते हैं, अरेंज करते हैं, लेकिन इन रेफरेंस टू अदर आइटम्स जो ऑलरेडी उस पर है, या तो जो पेरेंट है उसकी रेफरेंस से मैं उसको रखूंगा दो, या पेरेंट की रेफरेंस से रखूंगा कि पेरेंट के टॉप पे, पेरेंट के लेफ्ट पे, पेरेंट के बॉटम पे, सेंटर पे, जहां पे भी रखना होगा। तो अगर ये मेरे पास ये लेआउट है, इस पेरेंट के टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे रेफरेंस दूंगा मैं, या मैं इसको बाकी जो इसमें आइटम्स लगे हुए होंगे, सिबलिंग्स होंगे, उनकी रेफरेंस से रखूंगा, ठीक है। तो हम दोनों देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इस वक्त रिलेटिव लेआउट है और इसमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला है, इट इज एम्प्टी, इसमें कोई कंट्रोल या कोई यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा, तो मैं इस पर ड्रैग करके एक टेक्स्ट व्यू डालता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, ये इसको पोजीशनिंग दिखा रहा है कि कहां पे ये जाएगा। अगर मैं इस पे ये छोड़ू, ये डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट की पोजीशन है, टॉप, यहां ऊपर से टॉप और यहां से लेफ्ट। उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं, जैसे अगर मुझे राइट लेना हो तो ये लेफ्ट साइड से ये एरो दिखा रहा है, दिस मीन्स इट इज एडिंग सम मार्जिन, ये वहां पे मार्जिन एड कर देगा, कितने डीपीज ये राइट चला जा रहा है, ठीक है पूरा। और इसी तरह अगर मैं पूरा राइट में ले जाऊं, ये राइट साइड है और टॉप के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक। अब पहले देखते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट पोजीशन पे ड्रैग करता हूं, यहां पे मैंने इसको छोड़ दिया, ये आ गया इस पे। अब मैं कोडिंग में चेक करता हूं कि इसमें क्या पोजिशनिंग आ गई, ये आ गई कोडिंग में। इसमें लेआउट आप छोड़ो, अलाइन पेरेंट स्टार्ट, क्योंकि इस वक्त कोई चाइल्ड आइटम है ही नहीं जिसके साथ मैं इसको रिलेट कर दूं, एक ही आइटम है, मैं इसको पेरेंट के साथ रिलेट कर रहा हूं। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि जो पेरेंट है उसके स्टार्ट में इसको रखो, तो ये आ गया, ये स्टार्ट है पेरेंट का, स्टार्ट यानी टॉप लेफ्ट, दिस इज द स्टार्टिंग पोजिशन। इसी तरह अलाइन पेरेंट टॉप, क्या टॉप के साथ रखना है, यस, क्योंकि ये टॉप के साथ ही है, आगे समझ। तो ये एक ही आइटम मैंने इसको डाला, ये कहां पे आ गया, अपनी पोजीशन पे। उसके बाद अब ये कितना साइज लेगा, ठीक, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको विड्थ और हाइट कितनी दी हुई है। मैंने यहां पे रैप कंटेंट रखा है, अगर मैं यहां पे क्या रख दूं, रैप कंटेंट की जगह मैच पेरेंट, तो पेरेंट को मैच करेगा, तो ये वो पोजिशनिंग लेगा, इसने पूरा ले लिया ये इतना, ठीक है। तो मैंने इसको टॉप पे रख दिया एक। अब
मैं मैच पैरन नहीं रखूंगा, मैं पहले इसको यही रखूंगा रैप कंटेंट, ताकि मैं आपको दिखाऊं इसकी पोजीशनिंग हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट व्यू पे कुछ थोड़ा टेक्स्ट लिखूंगा, टॉप टेक्स्ट ये यहां पे आ जाएगा, मैंने लिख दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये टॉप की जगह बॉटम पे आ जाए, यहां पे आ जाए पैरेंट के बॉटम पे, तो पोजीशनिंग मुझे चेंज करनी है। यहां पे मैंने पैरेंट टॉप रखा है, मैं रखूंगा पैरेंट बॉटम, ये आ जाएगा पैरेंट बॉटम। और याद रखो मैंने कहा दो पोजीशनिंग हम यहां पे देते हैं, एक विद रेफरेंस टू द पैरेंट और एक विद रेफरेंस विद रिलेशन टू द अदर आइटम्स। जो भी यहां पे प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू द पैरेंट आएंगी उनको सिर्फ वैल्यू बूलियन होगा, ट्रू या फॉल्स, क्या पैरेंट के टॉप पे रखना है यस या नो, पैरेंट के लेफ्ट में रखना है यस या नो, पैरेंट के स्टार्ट में रखना है यस या नो, पैरेंट के बॉटम में रखना है यस या नो, इनको सिर्फ यस या नो आएगा। तो यहां पे मैं ट्रू दे रहा हूं, इसको एक बार दिया हुआ था तो ये ट्रू आ गया, तो ये अब चला जाएगा कहां पे, ये आ गया बॉटम पे। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्ट पे है, ठीक, तो बॉटम स्टार्ट पे। इसी तरह अगर मैं चाहूं इसको राइट साइड पे रखूं, पैरेंट के कहां पे, राइट साइड पे, तो मैंने यहां पे इसको रखा बॉटम पे है, अब इसको मुझे अलाइन करना होगा राइट पोजिशनिंग। अब वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां पे कहां निकलती है, कहां गया लेआउट, ये है लेआउट, ये है लेआउट, अलाइन पैरेंट बॉटम, और आगे जाके टिक होगी, क्या ये बॉटम पे अलाइन होगा, यस, अगर आप चेक नहीं करोगे तो ये डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक। इसी तरह लेआउट अलाइन पैरेंट एड, क्या एंड पे इसको ले जाना है पैरेंट के, लास्ट पे, कहां गया वो, एंड पे चला गया, ये राइट साइड पे, ठीक, तो पैरेंट एंड पे चला गया। इसी तरह अगर आप बॉटम इसको बॉटम पे भी रखना चाहते हो तो ये आ जाएगा, एक तो बॉटम पे आ गया और दूसरा पैरेंट के एंड पे आ गया लास्ट पे पोजिशनिंग। तो ये प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू द पैरेंट है और इनको लिखा हुआ है अलाइन पैरेंट 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 पैरेंट, इन सब को पैरेंट लिखा हुआ होगा, चार पोजिशनिंग है इनको पैरेंट लिखा हुआ होगा। ये सिर्फ यस नो वैल्यूज लेंगे, लेफ्ट राइट बॉटम एंड, ये सिर्फ यस नो वैल्यूज लेंगे। इन एडिशन टू दैट अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेंटर पे रखूं, ये सेंटर पे रखूं, अब मैं सेंटर हॉरिजेंटली भी रख सकता हूं, वर्टिकली भी रख सकता हूं, उसके लिए सेंटर हॉरिजेंटल आता है, सेंटर वर्टिकल आता है। और अगर दोनों रखना हो, हॉरिजेंटली भी सेंटर में आना चाहिए और वर्टिकली भी, मीन सेंटर ऑफ द पैरेंट, तो उसके लिए है सेंटर इन पैरेंट, ये प्रॉपर्टी है। तो पहले हॉरिजेंटली चेक करेंगे ट्रू, मैंने कहा जो भी पैरेंट के रिलेटेड है वो ट्रू या फॉल्स रखने होंगे, इनको मैं यहां पर काट देता हूं, अब जाते हैं ये आ गया सेंटर पे, हॉरिजेंटली सेंटर पे आ गया, ठीक। अब अगर मैं इसको चाहता हूं कि नहीं हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली सेंटर पे आ जाए, ये आ गया वर्टिकल सेंटर, वर्टिकली सेंटर पे आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूं नहीं ये दोनों आ जाए, तो मैं लिखूंगा सेंटर इन पैरेंट, ये पोजिशनिंग देगा इसको विद रिलेशन टू पैरेंट, रिलेटिव है ये, तो मैं ये ट्रू कर रहा हूं, आ गया ये सेंटर पे, ठीक है, मैंने इसको अब सेंटर पे रख दिया है इस टेक्स्ट को। इतना समझ आ गया सबको? तो यहां पे पैरेंट की रेफरेंस से जो भी प्रॉपर्टीज आती है उनके आगे लिखा हुआ है पैरेंट, पैरेंट बॉटम एंड लेफ्ट राइट या सेंटर हॉरिजेंटल सेंटर वर्टिकल और या हम सेंटर इन पैरेंट, ये छह प्रॉपर्टीज, 4+2+1 वो 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अलाइन करने के लिए। इन एडिशन टू दैट ये मैंने एक डाल दिया विद रेफरेंस टू पैरेंट, अब अगर मैं दूसरा डालना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाए, इसके राइट साइड में आ जाए, इसके नीचे आ जाए, कहां पे आ जाए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक बटन डालना चाहता हूं जो इस टेक्स्ट के नीचे आ जाए यहां पे, ठीक, इसको मैं इस बटन को विद रेफरेंस टू ऑलरेडी अलाइंड
आइटम जो सिबलिंग है इस पेरेंट के, इसकी रेफरेंस से इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ। मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ, ये मुझे जो डिफॉल्ट पोजीशन दिखा रहा है कहाँ पे है, टॉप लेफ्ट पे, स्टार्ट पे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसकी रेफरेंस से इसके नीचे आ जाए। अब अगर मैं इसको इस दूसरे ऑलरेडी अलाइंड आइटम की रेफरेंस से रखना चाहता हूँ तो मुझे इसका आईडी देना पड़ेगा। मैं इसको बोलूंगा कि उसके नीचे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कैंडिडेट को बोलता हूँ आप रोल नंबर वन के नीचे साइड में बैठ जाओ, आगे जाओ, उधर जाओ, ठीक। तो यहां पे अगर मैं चाहता हूं इस बटन को इस टेक्स्ट के नीचे रखूं या इसके राइट में रखूं या इसके ऊपर रखूं, कहां पे रखना है, तो मुझे इसको रेफरेंस देने की होगी इसकी। और रेफरेंस हम यहां पे किससे यूज करते हैं, आईडी से। तो यहां पे जो मेरी टेक्स्ट व्यू है इसका मैं नाम रखूंगा टेक्स्ट व्यू सेंटर, ये सेंटर में मैंने टेक्स्ट व्यू रखी है। मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं विद रेफरेंस टू दिस। अब इसकी मैं सारी अलाइनमेंट पहले काट देता हूं और इसको मैं नाम रखूंगा आईडी या चेंज कलर, जो आगे जाके हम देखेंगे इसमें, ठीक। तो इसको मैं रखूंगा बटन कलर, ठीक। मैंने एक बटन डाल दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको इसके नीचे रखूं, कहां पे मुझे रखना है, ये जो पेरेंट है इसके नीचे बिलो, मैं लिख रहा हूं लेआउट अंडरस्कोर, यहां प्रॉपर्टीज आएगी बिलो राइट लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट, ये प्रॉपर्टीज यहां पे आ जाएगी। मैं इसको इसके बिलो रखना चाहता हूं, इसके नीचे। तो बिलो, जब मैं बिलो दूंगा, अब इसको पेरेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, दिस मीन दिस इज नॉट विद रेफरेंस टू पेरेंट, जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज है उनमें पेरेंट लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बिलो दे रहा हूं। अब यहां पे मुझे ट्रू फॉल्स नहीं देना है, किसके बिलो वैल्यू देना है ना, मैं नहीं बोलूंगा इसके, इसको उसके बिलो रखो, यस यस को जवाब यस। तो दिस मीन्स आई हैव टू गिव द आईडी। तो यहां पे बटन व्यू सेंटर, जो हम टेक्स्ट व्यू सेंटर, इसके नीचे। तो अब मैं देखता हूं ये आ गया इसके नीचे, ठीक है। तो इसी तरह इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहां पर आ जाएंगी, लेआउट एबो अगर मैं इसके ऊपर रखना चाहता हूं, ठीक, लेआउट अलाइन एंड अगर मैं इस ऑलरेडी प्रॉपर्टी के एंड पे यहां पे रखना चाहता हूं, इसके बाद लेआउट अलाइन लेफ्ट अगर मैं इसके लेफ्ट में इसको रखना चाहता हूं, कहां पे आपको पोजीशन करनी है वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी में। इन एडिशन टू दैट अलाइन राइट, अलाइन राइट मतलब इनकी जो ये राइट बाउंड्री है ये अलाइन हो जाएगी दोनों की पोजिशनिंग में, ठीक है। यहां पे मैं इसको अलाइन राइट लिखता हूं, अलाइन राइट, और किसके राइट में, बटन व्यू सेंटर के राइट में, ये आ गया। एक तो ये इसके नीचे आ गया और इसका राइट, इसकी जो बाउंड्री है यहां पे इस बाउंड्री के साथ अलाइन हो गई। अगर आप लिखोगे अलाइन राइट, दिस मीन्स जो ऑलरेडी आइटम लगा हुआ है उसकी राइट साइड की बाउंड्री और इसकी राइट साइड की बाउंड्री मैच हो जाएगी। अगर आप लिखोगे अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट साइड की बाउंड्री अलाइन हो जाएगी। अब इतना ही चेंज कर देंगे, ये इस साइड से चेंज, ये बाउंड्री इसके साथ मैच हो जाएगी। मैं इसको लिखता हूं अलाइन लेफ्ट, राइट की जगह लेफ्ट, ये मैंने अलाइन लेफ्ट रखा। अब फिर से चेक करता हूं डिजाइन में, तो ये अलाइन हो गया लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि अलाइन टॉप, इनका टॉप अलाइन हो जाए, ये इसके टॉप के साथ मिल जाए, देन व्हाट शुड डू, उसके लिए मुझे ये बॉटम पहले हटाना होगा, क्योंकि फिर बॉटम में तो नहीं आएगा ना वो, जब मैं टॉप अलाइन करना चाहता हूं तो फिर नीचे कैसे आएगा वो, तो फिर मुझे ये अलाइन बिलो को निकालना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे अलाइन टॉप आईडी के साथ जो आईडी दिया हुआ है, तो इनका टॉप अलाइन हो गया, जो इसका टॉप है टेक्स्ट का और इसका, ये अलाइन हो गया, ठीक है, ये एक ही में आ गया। अगर ये बटन दो होते तो एक ही पोजीशन पे आ जाते। तो दिस वे यू हैव टू अलाइन दीज डिफरेंट आइटम्स ऑन द स्क्रीन। कहां से आ गया, तो इस तरह से आपको इनको अलाइन करना होगा, अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन टॉप अलाइन बॉटम, ये चार है। इसके बाद इसके और पोजीशन है, अगर इसको आप सेंटर करना चाहते हो
तो वही सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, वो आप दोनों इसमें रख सकते हो जहाँ भी आपको सेंटर करना होगा। तो इस तरह से हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइन एक रखेंगे यहाँ पे, फिलहाल मैंने एक टेक्स्ट ऊपर रखा और उसके नीचे मैं इसको अलाइन बॉटम करना चाहता हूँ इसी व्यू सेंटर के साथ। अलाइन टॉप को मैं काटता हूँ और राइट साइड से इसको अलाइन करना चाहता हूँ ताकि ये इसके राइट में आ जाए। ये आ गया टेक्स्ट। अलाइन बॉटम, पहले बिलो रखना है ना, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, बिलो रखना है। उसके बाद राइट साइड मैंने इसको अलाइन, ये टेक्स्ट बॉक्स है ऊपर इसके नीचे। अब इसको मैं कुछ पैडिंग रख सकता हूँ ताकि ये जो इसके साथ बराबर चिपका हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन इसको दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा हर साइड से मसलन 15 dp। ये आ गया मार्जिन इसको, इसके थोड़ा नीचे आ गया, ठीक। तो इसके बाद अब अलाइन राइट नहीं करेंगे, इसको अलाइन राइट की जगह सेंटर करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल, यस हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर पे रखेंगे। ये आ गया सेंटर पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर मैंने एक टेक्स्ट लिखा और नीचे उसका कलर चेंज कर दिया मैंने, कलर चेंज करना है। अब इन दोनों को मुझे कोड में एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करूँ, कहाँ पे, कोडिंग में, कब, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक। अगर मैं इसको डिज़ाइन में देखूँ कि मोबाइल पे ये कैसे आ रहा है, मैं इसको रन कर सकता हूँ, यहाँ पे सैमसंग कनेक्टेड है हमारा, तो हम देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पहले रन करेंगे, देखेंगे ये कैसा आता है डिज़ाइन में, कैसा आता है, फिर हम क्या करेंगे, इसको कोडिंग करेंगे, ठीक। अब कोडिंग के लिए मैंने आपको कहा है कि हर वेरिएबल को हम कोडिंग में एक किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, आईडी के थ्रू, आईडी है ना, आईडी के बगैर कैसे मैं उसको निकालूंगा, तो आईडी के थ्रू हम उसको निकालते हैं। ये भी इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलिंग APK, इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये रन हो जाएगा यहाँ पे हमारी ऐप, लॉन्चिंग एक्टिविटी, ये आ गई हमारी एक्टिविटी। तो मैंने इसको क्या रखा है, चेंज कलर और ऊपर से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टॉप टेक्स्ट, इस पर मैंने कोई ना बैकग्राउंड दिया है ना इसमें कोई कलर दिया है, ठीक। अब मैं इसको कोडिंग में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कोडिंग में एक्सेस करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसकी बैकग्राउंड जावा फाइल में जाना पड़ेगा, दिस इज द जावा फाइल, ठीक। अब जावा फाइल में जिस जिस आइटम को, जिस जिस यूजर इंटरफेस कंट्रोल को आपको एक्सेस करना होगा, उसका वेरिएबल क्रिएट करना होगा, आपको उसका वेरिएबल क्रिएट करना होगा। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, डिफरेंट, देखो ये जो यहां पे मैंने डाल दिया दिस इज बटन, तो इसके लिए जो क्लास है दैट इज सिंपली बटन। मैंने यहां पे एक टेक्स्ट डाल दिया टेक्स्ट व्यू, इसके लिए टेक्स्ट व्यू भी क्लास है वहां पे। अगर मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट जिसमें मैं एंटर करता हूँ, तो एडिट टेक्स्ट ही वहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट आइटम जो मैं यहाँ पे डालूंगा, इमेज व्यू, डायरेक्टली इमेज व्यू वहाँ पे क्लास आएगा। तो मुझे इनके वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होगा, इनके साथ लिंक करना होगा, इनके आईडी के साथ लिंक करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Kindly subscribe the channel and click on the bell icon to get the latest updates from the channel. होगा तो मैं इनके वेरिएबल्स पहले यहां पर क्रिएट करूंगा टॉप मोस्ट पे, क्लास के टॉप पे मेरे पास एक तो है टेक्स्ट व्यू, तो उसके लिए जो क्लास आता है दैट इज टेक्स्ट व्यू, ये है टेक्स्ट व्यू, और मैं नाम रखूंगा एक इसका टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट, यही मैंने नाम रखना वहां। यहां पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है जो वहां पे नाम रखा, कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, अभी तक ये वेरिएबल है इनिशियलाइज नहीं हुआ है,
किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ना किसी के साथ लिंक है। इसके बाद मैंने नीचे एक बटन डाल दिया, मैं लिखूंगा बटन चेंज कलर, दो डाल दिए। अब ये यहां पे दिखा रहा है कि ये जो बटन है ना, इसकी एक लाइब्रेरी है, वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। और ये खुद दिखा रहा है कि आप इस पे जाओ और आल्ट एंटर कर दो, ये ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट क्लास को, इंपोर्ट क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे क्लास को इंपोर्ट कर देगा। ये इसने बटन को भी क्लास इंपोर्ट किया और टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। जहां पे भी आपको एरर आ जाए उस पे जाओ और आल्ट एंटर दबा दो, ये ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। दो बन गए। अब मैंने आपको कहा था जब भी हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी की पहली एक्टिविटी जब लॉन्च होती है तो उसकी जो पहली पहला स्टेट होता है दैट इज ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट को कॉल। इसी ऑन क्रिएट में हम डिफाइन करते हैं ये वेरिएबल्स भी, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, इसी में हम सेट करते हैं इसकी व्यू, कौन सी व्यू होगी इसकी, ठीक है, इसका लेआउट कौन सा होगा, लेआउट फाइल कौन सी है इसकी, वो यहां पे दी हुई है। अब इस पे हम थोड़ा सा जाएंगे, यहां पे ऑन क्रिएट ये छोड़ो आप, बंडल सेव्ड इंस्टेंस ये आगे देखेंगे हम इसमें क्या जाता है इस बंडल में। तो उसके बाद मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक, ये तो नॉर्मल है अब तक। देन आई एम कॉलिंग ए फंक्शन सेट कॉन्टेंट व्यू, ये मेथड यहां पे याद है इंपॉर्टेंट, सेट कॉन्टेंट। इसका काम है कि ये जो जावा क्लास है इसके साथ कौन सी लेआउट फाइल लिंक्ड है, लेआउट फाइल को अच्छा से लिंक करें, तो वो यहां पे हम असाइन करते हैं। तो मैंने इसको लिख के रखा है आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन अंडरस्कोर, यही है ना मेरी इस एक्टिविटी का नाम, ठीक। अब ये आर क्या है, आर जब मैं इसको कंपाइल करूंगा इस प्रोग्राम को, आर एक फाइल बन जाती है, जावा क्लास एक बन जाता है, आर से आता हूं दिस इज ए जावा क्लास जो ऑटोमेटिकली क्रिएट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो भी रिसोर्सेज आप यहां पे डाल दोगे उन सब के आईडीज वहां पे स्टोर होते हैं। इसको पता होता है कि रिसोर्सेज में इसके पास एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, ये लेआउट फाइल है, तो ये आर इसमें एक लेआउट सब क्लास होगा, उसके अंदर एक्टिविटी मेन वेरिएबल एक होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको सर्च करेगा, उसका एक आईडी होता है वो यहां पे असाइन। इसी तरह अगर मैंने यहां पे कोई वैल्यू डाल दिया है तो मैं उसको आर डॉट वैल्यू डॉट निकाल सकता हूं। अगर मैंने कोई कलर यहां पे असाइन किया है कलर्स, तो आर डॉट कलर्स से मैं उसको निकाल सकता हूं, ठीक। इसी तरह जो भी वेरिएबल्स मैंने इस लेआउट फाइल में क्रिएट किए हैं उनको डिफरेंट आईडीज दिए हैं, वो आईडी सारे इसी आर जावा फाइल में होते हैं, तो उनको मैं निकाल भी सकता हूं इसी आर फाइल से, आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू, तो ये वहां का उसका आईडी उसकी रेफरेंस मुझे देगा, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट क्लास है यहां पे कि जब हम कंटेंट व्यू यहां पे करते हैं एक क्लास बन जाता है ऑटोमेटिकली, जब मैं इसको कंपाइल करता हूं उसका नाम आर होता है, इस आर का नाम रिसोर्सेज है, इसमें वो सारे रिसोर्सेज जो भी मैंने यूज किए हैं उनके आईडीज होते हैं, वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, उनकी रेफरेंसेज में निकाल सकता हूं। तो मैं इसको असाइन करता हूं कि इसकी कंटेंट व्यू, इसका जो लेआउट है वो कौन सी फाइल डिफाइन करेगी, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी में। अगर मैं यहां पे कोई और डाल दूं तो ये वही यूज करेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक हो जाएगा, ये वही लेआउट यूज करेगा। तो इसका मतलब है मैं डायनामिकली रन टाइम पे ये चेंज कर सकता हूं, जब मैं एक्टिविटी को लॉन्च कर सकता हूं मैं कोई भी लेआउट यूज कर सकता हूं अगर मेरे पास डिफरेंट होंगे। देन ये कोड आप छोड़ दो, ये मैंने क्या यहां पे यूज किया है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये कुछ और है, ये मैंने इसको कनेक्ट किया है किसी और चीज के साथ, तो लिहाजा इसको आप छोड़ दो, ये मैं यहां पे काट भी सकता हूं। इसके बाद यहां पे मुझे ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने, अब इसको कहां पता है कि ये टेक्स्ट सेंटर व्यू, यहां पे इसका क्या आईडी है, यहां पे तो इसका अपना आईडी है कुछ, ये कैसे इसके साथ लिंक, लिंक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द करेक्ट आईडी, आईडी के साथ करेक्ट आईडी के साथ कनेक्ट करना है, तब जाके ये उसको रेफरेंस करेगा, उस कंट्रोल यूनिट को या उस कंट्रोल को जो भी मैंने डाला होगा उस कंट्रोल को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट इक्वल टू, अब मुझे इसको यहां पे यहां रेफरेंस असाइन करनी है, रेफरेंस कौन निकालेगा, रेफरेंस इसमें है आर डॉट आई डी, रेफरेंस कर आर डॉट आई डी उसमें रेफरेंस है, लेकिन निकालेगा कौन वहां से, उसको सर्च कौन करेगा, ठीक,
तो यहां पे एक फंक्शन फाइंड व्यू बाय आईडी, गेट नहीं फाइंड व्यू बाय आईडी, ये एक मेथड है, स्टैटिक क्लास है फाइंड व्यू बाय। फाइंड व्यू बाय आईडी का काम क्या है, ये रिसोर्स फाइल आर डॉट आईडी में उस वेरिएबल को ढूंढेगा, उसकी रेफरेंस इसको असाइन करेगा। हर वक्त इसको आपको ये यूज करना पड़ेगा। मैं इसको रेफरेंस दूंगा आर डॉट आईडी डॉट, ये खुद लाएगा टेक्स्ट सेंटर व्यू, इसको पता है इसका आईडी दिया हुआ है यहां पे हेक्साडेसिमल में 7F07008, ये इनको आईडीज असाइन करता है। तो ये फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको मैं ये वैल्यू देता हूं, ये ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को लिंक करता है, इसकी रेफरेंस इसमें डाल देगा। समझ गए, हर वक्त जो भी कंट्रोल आपको लिंक करना होगा अपने वेरिएबल के साथ, फाइंड व्यू बाय आईडी आपको उसके लिए यूज। और फाइंड व्यू बाय आईडी को पैरामीटर क्या देना है, आईडी, उसका आईडिया वो तो मुझे पता नहीं, वो आर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है फाइल उसको पता है। तो मैं इसको बोल दूंगा और यहां पे सेमीकोलन इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक, अब चूंकि यहां से जो ये लाएगा ना, यहां से जो रिटर्न टाइप इसका आता है, इसका जो रिटर्न टाइप आता है, मैं इसको देख रहा हूं यहां पे, देखो ये जो है ना फाइंड व्यू बाय आईडी, मैं देखता हूं कि ये वापस रिटर्न क्या कर रहा है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसका रिटर्न वैल्यू होता है। ठीक है, ये यहां पे रिटर्न क्या करना चाहिए, टेक्स्ट व्यू, लेकिन अगर मैं बटन के लिए यूज करूंगा तो उस वक्त ये किसको रिटर्न करेगा। ठीक, इट शुड रिटर्न सम जेनेरिक सुपर क्लास, सुपर क्लास, ताकि उसको मैं कोई भी वेरिएबल असाइन। तो इन सब यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स का सुपर क्लास है व्यू, ये सब चाइल्ड है किसके, व्यू के, VIEW व्यू। तो अगर मैं यहां पे इस पर क्लिक करूं कंट्रोल क्लिक, मुझे ये इसका कोड दिखाएगा, ये है फाइंड व्यू बाय आईडी, यहां से इसको पैरामीटर जाता है आईडी और ये इसको ढूंढ के निकालता है कहां से लाता है, लेकिन जो ये रिटर्न कर रहा है दैट इज ए व्यू, इट इज रिटर्निंग ए व्यू। ठीक है, जेनेरिक टाइप है यहां पे, व्यू को ये रिटर्न कर रहा है। अब इस व्यू को मुझे कास्ट करना है, जैसे हम कोई इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, अब मुझे उसको मुझे कास्ट करना है जो स्मॉल इंट में है, या मेरे पास लॉन्ग इंट है उसमें करना है, या मेरे पास अनसाइंड इंट है, इसने कास्टिंग करन, तो आपको यहां पे कास्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन किस में होगी, टेक्स्ट व्यू में, यह ना टेक्स्ट व्यू, इसको यहां से जो मिल रहा है आपको वो तो व्यू है, उसको फिर कास्ट करके टेक्स्ट व्यू में कास्ट करो और इसको असाइन। जो प्रीवियस वर्जन थे उनमें ये कंपलसरी था, लेकिन जो नया वर्जन है इसमें ये ऑप्शनल है, ये ऑटोमेटिकली इसको कास्ट करता है। अगर आप ये लिखोगी भी नहीं ना टेक्स्ट व्यू, ये खुद कास्ट करेगा कि यहां से व्यू आ रही है, लेफ्ट साइड से जो है वो टेक्स्ट व्यू है, इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट व्यू में, आपको लिखने की जरूरत, अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कोडिंग में यहां पे टेक्स्ट व्यू भी लिख सकते हैं। तो इस एक स्टेटमेंट से मेरा ये कंट्रोल जो यहां पे मैंने लिखा है, इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, अब ये वेरिएबल है, इसके थ्रू मैं इसको कॉल, अब अगर मैं यहां पे लिखूं ना टेक्स्ट सेंटर डॉट सेट टेक्स्ट, अगर मैं इसका टेक्स्ट सेट करना चाहूं यहां पे, तो मैं यहां पे चेंज कर सकता हूं टेक्स्ट चेंज्ड एट रन टाइम, जब मैं इसको रन करूंगा वहां पे ये टेक्स्ट नहीं आएगा जो मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि ये यहां पे चला जाएगा और इस कोड में मैं ऑटोमेटिकली इसका टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं, तो ये इसका ये कलर, ये टेक्स्ट चेंज। चलिए मैं पहले इसको सेव करता हूं, सेव ऑल, और इसको मैं रन करता हूं, मैं देखता हूं कि यहां पे ये कैसे आए, अभी चल रहा है इंस्टॉलिंग APK, ये इसको इंस्टॉल करेगा और यहां पर मुझे टॉप टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, मुझे यहां पर क्या आना चाहिए, टेक्स्ट चेंज्ड एट रन टाइम, ये नया हो गया इंस्टॉल, अब इसको लॉन्च करेगा टेक्स्ट चेंज एट रन टाइम। तो दिस मीन्स आई हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड दिस वेरिएबल विद द कंट्रोल जो यहां पे है यूजर इंटरफेस कंट्रोल, उसके साथ मैंने इसको चेंज कर दिया। मैं यहां पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं, टेक्स्ट सेंटर डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ये यहां पे कलर में देख सकता हूं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूं। ठीक, अब बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे यहां पे इसको कलर, तो कलर मेरे पास एक क्लास आता है कलर डॉट, उसमें ये सारे कलर्स, मसलन मैं इसका बैकग्राउंड कलर रखूंगा ब्लू, ये जो कलर है ना ये क्लास है, इसमें डिफाइंड है ये वेरिएबल्स, इनके वैल्यूज। ठीक, तो
इसमें मैंने ब्लू डाल दिया, मैं फिर से सेव कर रहा हूँ और इसको अब मैं रन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था इंस्टेंट रन, अगर मैं इस पर रन करूँ तो ये पूरा इसको नया कंपाइल करेगा और लोड करेगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इंस्टेंट रन पे, ये खाली इतनी चेंज, इसलिए ये फास्ट हो रहा है, खाली इतनी चेंज यहाँ पे डाल देगा, देखो हो गया ना जल्दी एप्लीकेशन रिस्टार्टेड और इसका कलर बैकग्राउंड चेंज, समझ गए, थोड़ा सा डिम कुछ रखेंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, डॉट कौन सा रखेंगे, ग्रीन रखेंगे, चलो येलो रखते हैं, ठीक है इतना हो गया। नाउ व्हाट आई वांट कि इसके बाद मैं चाहता हूं जो मेरे पास ये कंट्रोल दिया हुआ है ये इस पे मैं क्लिक करूं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक बटन है, इस पे मैंने अभी कोड कुछ नहीं लिखा है, इसको मैंने किसी कोड के साथ लिंक, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, अभी ये मैंने इसको येलो कर दिया ना यहां पे, तो ये रेड आना चाहिए, ठीक वो कैसे होगा, तो इसके लिए पहले तो मुझे इस वेरिएबल के साथ, इस बटन के साथ अपने इस वेरिएबल को लिंक करना पड़ेगा फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू, फिर उसके बाद जब इस पे क्लिक करते हैं ऑन क्लिक लिसनर चाहिए मुझे, जो क्लिक के बाद कोड एग्जीक्यूट होगा वो कोड वहां पे मैं ये चेंज करूंगा, वो मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ख्याल रखना। तो पहले मैं इस बटन को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, यहां पे कमेंट लिखूंगा, कोड टू कनेक्ट टू द बटन, यहां पे मैं कनेक्ट करूंगा, तो मेरे बटन का नाम है बटन चेंज कलर, अब मैं सीधे लिखता हूं मैं क्या यूज करूंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको मैं असाइन करूंगा आर डॉट आईडी डॉट, क्या लिखा है मैंने इसका नाम बटन कलर, ये खुद ला रहा है, इसको पता है आर में ये सारे है, आर ऑटोमेटिकली क्लास बन जाता है, इसको पता है ये वहां पे है, और लास्ट में इसको अब इसको मैं कास्ट कर सकता हूं यहां पे, मैंने कहा ना इसको कन्वर्ट करना है बटन में क्योंकि ये बटन है, वहां से व्यू आ रही है, तो मैं कास्ट कर सकता हूं लेकिन वो ऑप्शनल है, मैं यहां पे अगर बटन लिखूं तो भी चलेगा, अगर मैं ना लिखूं तो भी चलेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली कास्टिंग, ठीक, लेकिन बेहतर है लिखा करो ताकि मुझे पता चले इसी से कि ये यहां से बटन है, कभी पता भी नहीं चलता है ना, कोई कंट्रोल आगे जाके देखेंगे तो यहां से पता चलता है कि बटन में मुझे चाहिए, हाँ बटन ही आ रहा है, ठीक। अब जब मैंने इसको लिंक कर दिया इसके साथ, चलिए मैं देखता हूं कि ये लिंक हो गया कि नहीं, बटन चेंज कलर डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, यहां पे कलर डॉट इसको रखेंगे रेड, ठीक, मैं सेव कर रहा हूं इसको और यहां पे इंस्टेंट रन, चलिए इसको रन करके दीजिए, इंस्टॉलिंग एपीके, समझ आ रहा है कुछ, क्लियर है, इसको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ तब जाके ये क्लियर हो जाएगा, अभी ऊपर हमें येलो कलर आना चाहिए और नीचे इसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, रेड, ये हो गया, ठीक। अभी मैं फिलहाल ये क्या बोलूं यहां पे, चलिए टेक्स्ट चेंज हो गया रन टाइम पे, ये भी अब मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करने से ये चेंज हो जाए, ठीक, अब वो कैसे होगा, इसके लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू असाइन ए लिसनर टू द क्लिक इवेंट ऑफ दिस, जब मैं इस पर क्लिक करूं इसके पीछे कोई कोड एग्जीक्यूट, वो कैसे करते हैं वो यहां पे याद रखिए, मैं लिखूंगा बटन चेंज कलर द डॉट, यहां पे क्या करना है सेट क्लिक ऑन क्लिक लिसनर, ये है यहां पे आ रहा है ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक, ये मेथड आपको दिया हुआ है बटन डॉट सेट, या आप किसी भी कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी मतलब टेक्स्ट के साथ भी ये कर सकता हूं, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूं क्या होना चाहिए पीछे से, आपको उस कंट्रोल को डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर रखना है, उसके बाद पहला तरीका मैं दिखा रहा हूं, आगे जाके मैं और तरीके इसको दिखाऊंगा कैसे, इसके बाद जो यहां पे इसका पैरामीटर है, पैरामीटर में मुझे इसको कॉन्टेक्स्ट देना है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि किस क्लास में है ये, ठीक, मेरा क्लास क्या है ऊपर,
मेन एक्टिविटी, मैं लिखूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, क्योंकि दिस रेफरेंस इज द करंट क्लास, करंट क्लास यानी इसका जो क्लिक लिसनर का जो कोड लिखा हुआ है वो इसी मेथड में है, इसी क्लास में है, इसी के किसी मेथड में है। अब जब ये आप यूज करोगे ऑन क्लिक लिसनर किसी भी क्लास के साथ, इसके लिए कंपलसरी है कि इसमें एक मेथड होना चाहिए। क्या मेथड होना चाहिए? कि जब मैं क्लिक करूं ऑन क्लिक, कोई मेथड होना चाहिए जिसमें कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कहीं पे होना चाहिए। ठीक, अब वो चीज कंपलसरीली हर एप्लीकेशन पे एनफोर्स करने के लिए मैं यहां पे एक इंटरफेस यूज करता हूं। इन्होंने एक इंटरफेस क्रिएट किया है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, वो मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एरर दिखा रहा है ना यहां पे, क्योंकि मुझे यहां पे एक मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक इंटरफेस को, इंप्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेथड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये इंप्लीमेंट करोगे इसी में वो मेथड डिफाइंड है क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो मेथड कॉल होगा ऑन क्लिक क्या होना चाहिए। अब आपको पता है कि जब हम किसी मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं उसमें अगर कोई मेथड किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं अगर उसमें कोई मेथड होगा, इट इज कंपलसरी कि आई हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ दैट मेथड, अदरवाइज इस क्लास को भी मुझे इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा या एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसमें कोई मेथड है जो मुझे यहाँ पे अभी उसकी डेफिनेशन, वो कौन सा मेथड है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और आल्ट एंटर कर दूंगा, ये खुद बताएगा इंप्लीमेंट मेथड्स। ठीक, कौन सा मेथड है, ऑन क्लिक, जब ये क्लिक होगा उस वक्त कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये है ऑन क्लिक। मैं ओके करूंगा तो ये यहाँ पे एक मेथड इसमें इंसर्ट खुद ब खुद कर देगा ऑन क्लिक। तो इसका मतलब है जब अब सारे एरर्स गायब हो गए, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये इस क्लास को ढूंढेगा, हो गया, इस क्लास पे जाएगा, इस क्लास में इंप्लीमेंटेड है ऑन क्लिक लिसनर, इसका मतलब है इसमें जरूरी एक मेथड होगा जिसका नाम होगा ऑन, ये उस ऑन क्लिक को कॉल करेगा, समझ गए। अब यहां पे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, जो कोड मुझे लिखना है वो यहां पे मैं लिखूंगा, समझ गए। अब मैं यहां पे कोड क्या लिखना चाहता हूं, मैं इस टेक्स्ट सेंटर का एक तो टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं और इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। ठीक, वो मैं यहां पे करूंगा, मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, क्या चाहिए मुझे टेक्स्ट में, यू हैव क्लिकड द कलर बटन, ठीक है, ये दूसरा बैकग्राउंड अब चेंज होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ये आ गया। और कलर क्या रखेंगे हम, कलर डॉट फॉर एग्जांपल हम रखेंगे इस वक्त रेड, ये रेड लग दिया, ठीक, जो भी आपको रखना होगा। यहां पे कोई भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, फिलहाल मैं दिखा रहा हूं कलर से ताकि हमें पता चले। अब इसको सेव करते और फिर से रन करते, नाउ लेट अस रन इट, इसको रन करते और चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या आ रहा है। इंस्टॉलिंग ऐप, इंस्टॉलेशन के बाद रन हो गई हमारी ऐप, अब कलर तो यही है, अब मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूं, क्लिक, ये आ गया इसका कलर, यू हैव क्लिक्ड द कलर बटन। अब अगर मैं बाहर में बार करूं ये फिर भी चेंज कर रहा है लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने सीख लिया एक तो रिलेटिव लेआउट में इनको कैसे डिजाइन करना है, देन हाउ टू चेंज, हाउ टू कनेक्ट विद दीज कंट्रोल्स इन द कोड, कोड में इनके साथ कैसे कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट किया उसके बाद हमने सीख लिया कि ऑन क्लिक लिसनर इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। ठीक, अब मसला है, चलिए मैं एक और चीज यहां पे बताता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द चैनल। हम जाते हैं वापस कोड पे, ये मेरा कोड है, अभी चेंज कलर एक ही हमने रखा है ना, ठीक।
अब चेंज कलर, मैं एक और बटन डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसका मैं नाम रखूँगा चेंज कलर टू, या हम रखेंगे यहाँ पे बटन रेस्टोर ओरिजिनल कलर। ठीक, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओरिजिनल कलर आना चाहिए उस पर टेक्स्ट पे। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज इवेंट, क्लिक इवेंट देखना है कि वहाँ पे इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो ये इसका, ये कहाँ होना चाहिए, टेक्स्ट व्यू सेंटर के नीचे होना चाहिए। ठीक, सेंटर हॉरिजेंटल नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए अलाइन राइट, किसके पहले बटन के, पहले बटन के राइट साइड में मुझे चाहिए ये, उसके नीचे लेकिन इसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, रिलेटिव है ना। तो किसके नीचे चाहिए आपको, बटन कलर के नीचे चाहिए मुझे। अब देखते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, टेक्स्ट व्यू सेंटर, हाँ ये किया ना अलाइन राइट, नहीं अलाइन राइट नहीं, राइट लिखना है, सिंपल राइट, अलाइन राइट मतलब ये बाउंड्री अलाइन करेगा, मुझे राइट चाहिए टू राइट ऑफ। ठीक है, राइट मुझे किसके राइट में चाहिए, टू राइट ऑफ समथिंग। ठीक है, इस बटन के राइट में चाहिए, अलाइन राइट का मतलब मैंने कहा ना इसकी बाउंड्री अलाइन होगी ऊपर की नीचे की राइट, मुझे इसके राइट में ये चाहिए, ये आ गया इसके राइट में, और ये स्पेसिंग भी आ गई, मैंने इसको स्पेसिंग रखी है, ये मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ इस वाले में, 15 dp मैंने इसमें रखा है, तो चलो रखते हैं फिलहाल, ये आ गया। अब मुझे इस पे जब मैं कलर करूँगा, इस पे मैं लिखूँगा रेस्टोर कलर, रेस्टोर कलर, ठीक, ओरिजिनल कलर रेस्टोर होना चाहिए। इसका आईडी मैंने क्या रखा, बटन ओरिजिनल कलर। ठीक, अब इसको पहले लिंक करते हैं कोड के साथ, ये मैं कोड में जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और बटन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, बटन, बटन रेस्टोर कलर, ये आ गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, लिंक करना है कोड के साथ दूसरे बटन को, मैं लिखूंगा बटन रेस्टोर कलर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं पहले लिख के रखूंगा बटन है फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे आर डॉट आईडी डॉट बटन रेस्टोर ओरिजिनल। ठीक है, ये लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया। इसके बाद इस पे मुझे क्लिक इवेंट ऐड करना है, बटन रेस्टोर कलर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक, और वो ऑन क्लिक लिसनर कहाँ पे है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक, अब मसला है हो गया, अब मसला है जब इस पे क्लिक करूंगा, मेथड कितने हैं, एक ही मेथड है, मेथड एक ही है ना, जब मैं पहले बटन पे क्लिक करूंगा वो भी यहां जाएगा और यही कलर सेट करेगा, जब मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा वो भी यहां चला जाएगा और यही कलर। हाउ टू आइडेंटिफाई दीज डिफरेंट बटन्स, बटन मेथड तो एक ही होगा, मेथड है अकई, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे, तो ये यहां पे इससे आइडेंटिफाई होगा क्योंकि इसको एक पैरामीटर जा रहा है वी व्यू, तो इस व्यू में इसका आईडी निकालना है, इसका आईडी निकालना है, उस आईडी को मैच करना है, या तो बटन कलर के साथ वो मैच होगा या बटन रेस्टोर के साथ वो मैच आईडी होगा, आईडी से आइडेंटिफाई होती है। तो इसके लिए यहां पे हम अक्सर जो यूज करते हैं एक स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, ये मैं स्विच केस यूज कर रहा हूं यहां पे, और इसको जो पैरामीटर जा रहा है वी डॉट गेट आईडी, ये वी डॉट गेट अब मैच करना है, केस पहला कौन सा है, आईडी आ रहा है वहां से किसके साथ मैच करना है, पहला आईडी है हमारे पास आर डॉट आईडी डॉट, दूसरा पहला वाला बटन है बटन, बटन कलर,
या तो इसके साथ मैच होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे गेट आई डी है ना, डॉट गेट आई डी, गेट आई डी है, मेथड कॉल एक्सपेक्टेड। इसको क्या हुआ, चले पहले मैं ये लिखता हूँ, बाद में देखते हैं ये कौन सा वाला है यहाँ। तो वी डॉट गेट आई डी में ले रहा हूँ इस व्यू से और चेक कर रहा हूँ स्विच केस, ठीक लिखा है मैंने। तो यहाँ पे अगर ये आई डी मैच हुआ आर डॉट आई डी डॉट बटन कलर के साथ, फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट करना है जिससे मैं पहला वाला बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करूँगा और फिर नीचे ब्रेक दगा दूंगा। और अगर ये मैच हुआ किसके साथ, केस टू के साथ, दैट इज आर डॉट आई डी डॉट बटन रेस्टोर ओरिजिनल, इसके साथ मैच हुआ तो मुझे दूसरा कोड यहाँ पे लिखना है और फिर ब्रेक करना है। अभी यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, यही तो है गेट आई डी। अच्छा मैंने कैप्टन लिखा था स्विच को, तो इतना वन नहीं, मैंने स्विच स्टेटमेंट को कैप्टन लिखा था एस, इसीलिए यार दिखा रहा था ये क्या लिखा। तो ये यहां से आईडी आ जाएगा, तो व्यू है इसमें जो भी पहले ये सेट क्लिक लिस्नर इसको कॉल करेगा, इस व्यू में चला जाएगा ये वाला बटन कलर, ठीक, और वी डॉट गेट आई डी उसका आई डी निकाल देगा, फिर उसको मैच कर देगा इन डिफरेंट केसेस के साथ। अगर वो केस वन के साथ आर डॉट आई डी डॉट बटन कलर के साथ मैच हुआ, क्योंकि वो नंबर है ना, अगर वो मैच हुआ तो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड क्या करना है, मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है वहां पे, फिर मुझे कलर चेंज करना है, ये वाला मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक। अगर दूसरा वाला मैच हुआ तो फिर मुझे इसको रेस्टोर करना है कलर, तो ओरिजिनल कलर क्या था मेरा, ये वाला, यही था ना ओरिजिनल कलर येलो, तो रेस्टोर करना है येलो कलर, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल कलर रेस्टोर्ड, ठीक है, ओरिजिनल कलर रेस्टोर्ड। तो अब मेथड एक ही होगा, बुनियाद किस बुनियाद पे, आईडी की बुनियाद पे, या तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा या ये। अब यहां पे आप लोगों ने जब स्विच स्टेटमेंट सुना देखा था, ये ब्रेक जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक नहीं रखा ये पहले इसके साथ मैच करेगा, फिर ये वाला भी एग्जीक्यूट पड़ा है ना स्विच केस, तो स्विच केस को यहां प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों ने जो पढ़ा है। तो आप इसको रन करते, चलिए लेट अस रन इट, एनस्टन रन में जाते और देखते हैं मुझे क्या मिलता है, यहां पे चेक करते हैं। इनस्टॉल रन से फास्ट हो रहा है, इनस्टॉलिंग एपीके, ये आ गई, ठीक। तो जो पोजीशनिंग मेरी थी वो ठीक आ रही है, ये एक है ये दूसरा वाला है। अब मैं जब पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, यू हैव क्लिक कर दो, इसका मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट। अब मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूँगा, ओरिजिनल कलर रेस्टोर, तो ये यहाँ पे चला गया, समझ गए, इट इज़ ईजी। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास तीन चार बटन्स होंगे उनको कैसे हैंडल करना है, सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक पे स्विच स्टेटमेंट एक रखना है। अगर आप स्विच स्टेटमेंट नहीं रख सकते तो आप इफ भी यूज कर सकते हो, इफ इफ आर डॉट आई डी डॉट बटन कलर इक्वल टू वी डॉट गेट आई डी, वी डॉट गेट आई डी इक्वल टू एलस इफ वी डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट बटन रेस्टोर, आप दोनों यूज कर सकते हो, इफ भी यूज कर, लेकिन स्विच ईजी हो जाता है, स्विच स्टेटमेंट ईजी, इफ मल्टीपल इफ लगाना इसके लिए स्विच इज द बेस्ट केस, ठीक। तो यहां पे ये काम आता है ज्यादा। तो इस तरह से हमने आज
दो रिकैप करता हूँ। आज हमने एक तो पहले लेआउट देखा, रिलेटिव लेआउट, तो उसके लिए सिंपली बाहर से रिलेटिव लेआउट लिखना है और फिर डिफरेंट आइटम्स इसमें डालने हैं, उनकी पोजीशनिंग कैसे देनी है इन रेफरेंस टू अदर्स एंड इन रेफरेंस टू पैरेंट, वो सारी मैंने दिखा दी आपको। उसके बाद हमने कुछ कंट्रोल्स डाल दिए और उनको कोड में कनेक्ट किया, ये तीन बटन्स हमने डाल दिए, बटन और टेक्स्ट व्यू, इनको कोड के साथ कनेक्ट किया। कैसे करते हैं उसके लिए हम ये फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल कर रहा हूँ। फाइंड व्यू बाय आईडी है ना, ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, तो इसके थ्रू मैं निकाल रहा हूँ उस आईडी को। वो आईडीज कहाँ होते हैं? एक आर फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली सारे रिसोर्सेज की, उसमें वो सारे आईडीज, सारे लेआउट्स, सारे कलर, सारे स्ट्रिंग्स, अभी स्ट्रिंग्स मैंने नहीं बताई, वो भी सारी इसी में हो जाती है। और फिर उसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम कोड में एक्सेस। फिर हमने देखा कि बटन को कैसे कनेक्ट करते हैं और बटन को क्लिक इवेंट के साथ कैसे कनेक्ट। ऑन क्लिक लिसनर करना है, लिसनर मतलब जो सुनेगा, क्लिक होगा पीछे से वो सुनेगा क्या। तो इसको यूज करने के लिए वी हैव टू इंप्लीमेंट द ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर में एक मेथड है जिसका नाम है ऑन क्लिक, वो जरूरी इंप्लीमेंट करना है। जब इंप्लीमेंट किया उसमें हम कोड को एक्सेस। अगर हम एक ही बटन यूज कर रहे हैं तो फिर स्विच स्टेटमेंट की जरूरत। अगर मल्टीपल बटन यूज कर रहे हैं तो हर बटन को यहाँ पे निकालने के लिए हम इस व्यू को यूज करेंगे, जो वेरिएबल इसको पैरामीटर जा रहा है। तो व्यू वी डॉट गेट आईडी, उसका आईडी निकालेंगे, फिर केसेस में उनको मैच करेंगे प्रॉपर अपने अपने कंट्रोल के साथ और अपना अपना कोड एग्जीक्यूट, दैट इज ऑल। ठीक, तो इस सब की आपको प्रैक्टिस करनी है लैब में, अपने लैपटॉप पे जहां पे भी मुझे ये दिखाओ ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आपको समझ आ गया तो बाकी जाके हम बहुत ईजी हो जाएगा, इतना आना चाहिए इतना कोड कनेक्ट करने के लिए। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching the video. Kindly subscribe the channel and click on the bell icon to get the latest updates from the channel.